अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा से रिलेटेड। न्यू कफाला सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ मार्च 2021 से, और ये कानून के इम्प्लीमेंट होने के बाद बहुत से लोग जो खुद से वीज़ा इशू करना है उसका जो प्रोसेस है कैसे होगा उसके बारे में जानने को लेके एक्साइटेड थे। तो ये वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट वो सारे जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं कि कैसे आपको वीज़ा रिक्वेस्ट डालना है, फिर कैसे आपका वो वीज़ा इशू होगा, ये सब के बारे में। उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये कानून जब इम्प्लीमेंट हुआ न्यू कफाला सिस्टम, उसमें लोगों का जो रिएक्शन है वो कुछ मिला जुला आया। कुछ लोगों का पॉजिटिव रिप्लाई आया कि ये कानून से हमें अच्छा आगे चल के फ्यूचर में अच्छा लाभ मिलेगा, इसका हम बेनिफिट लेंगे। इवन मेरा भी यही सोचना है कि आगे चल के इसका हम लाभ ले सकते हैं, बट कुछ लोग नेगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं कि मतलब ये सब बेकार है, इससे हमें कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। बट आई होप कि इन सारे जो कानून न्यू चेंजेस हैं इससे हमें लाभ मिले। तो इससे पहले के वीडियोज़ में हालाँकि मैंने बताया था कि न्यू कफाला सिस्टम में ट्रांसफ़र कैसे लेना है दूसरे कंपनी में, बट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खुद से हम एग्ज़िट री एंट्री का जो वीज़ा है वो कैसे इशू करेंगे, इसके बारे में। जिन लोगों को ट्रांसफ़र का प्रोसेस जानना है आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया न्यू कफाला सिस्टम में कि ट्रांसफ़र लेने का दूसरे कंपनी में तनाजुल लेने का क्या प्रोसीजर है। तो आइए दोस्तों, ये वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारे कानून का जो लाभ है, खास करके आपका जो एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा जो आप इशू करोगे, तो इसके लिए आपको अफसर अकाउंट बनाना ज़रूरी है। अगर आपके पास अफसर का अकाउंट है तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये सारा चीज़ आपका अफसर से ही होने वाला है। तो आप में से अगर किसी ने अफसर का अकाउंट नहीं बनाया है तो आप तुरंत ही अपना अफसर अकाउंट बना लीजिए। ये था पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि कोई भी वर्कर, चाहे आप कंपनी में हो या कफिल के अंडर में हो, आपको अपना अफसर अकाउंट में लॉगिन करना है। लॉगिन करके वीज़ा के लिए रिक्वेस्ट डालना है, एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा। जब आप ये रिक्वेस्ट डालोगे उसका जो पेमेंट है वो पहले आपको करना पड़ेगा। आपको पहले पैसे पे करने हैं, पे करने के बाद आप अपने कंपनी या कफिल से रिक्वेस्ट करके वो पैसे ले सकते हो, वो मनी रिफ़ंड ले सकते हो। अगर आपका कंपनी या कफिल के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट में है कि वो देने वाला है तो वो आपको दे देंगे, अगर नहीं देते हैं तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ये आप ही को पे करना है, ठीक है। इसके बाद का जो पॉइंटर्स है कि मैंने पहले भी बताया था कि जब आप रिक्वेस्ट डालोगे तो कंपनी के पास 10 दिन का टाइम रहेगा, या तो वो अप्रूव करे या रिजेक्ट करे। पहले कंपनी उसमें इंक्वायरी करेगी कि आप क्यों छुट्टी में जा रहे हो, उसके बाद वो या तो अप्रूव या रिजेक्ट कर देगा। अगर कंपनी अप्रूव कर देता है विद इन 10 डेज, 10 दिनों के अंदर अगर कंपनी अप्रूव कर दिया आपका छुट्टी, आपका वीज़ा रिक्वेस्ट, तो इमिडिएटली आपका जो वीज़ा है वो इशू हो जाएगा। अगर कंपनी रिजेक्ट कर देती है इन 10 दिनों के अंदर, कंपनी अगर रिजेक्ट कर देती है तो फिर आपका जो रिक्वेस्ट है वो वीज़ा रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको फिर से इसका जो प्रोसेस है वो नए से स्टार्ट करना होगा। इसके बाद अगर कंपनी 10 दिन तक कंपनी या कफिल रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, आपका रिक्वेस्ट को देखता ही नहीं, आप उनको जो नोटिफिकेशन दोगे वो अगर उस पर रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं, तो फिर आपका ऑटोमेटिकली 30 दिन का जो वीज़ा है एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा वो इशू हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हो, आपको 5 दिन के अंदर यहाँ से ट्रेवल करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकते आप। 5 दिन मैक्सिमम 5 डेज़ का आप टाइम ले सकते हो, उसके बाद आप आराम से ट्रेवल कर सकते हो। इसके बाद एक कंडीशन ये है कि अगर कोई बंदा का कंपनी या कफिल के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, या फिर जब वो छुट्टी जा रहा उस बीच में ही ख़त्म होने वाला है, तो ऐसे कंडीशन में उनका जो वीज़ा होगा वो इशू नहीं होगा। उनको क्या करना पड़ेगा, पहले या तो आप उसी कंपनी या उसी कफिल के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर लो, या फिर अगर आप नए कंपनी या नए कफिल के साथ करना चाहते हो तो उनसे पहले कर लो,
उसके बाद ही आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। सो मतलब ये है कि जिन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है वही लोग जा सकते हैं, वही लोग वीज़ा इशू कर सकते हैं, जिनका एक्टिव नहीं है वो लोग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद का जो कंडीशन है कि अगर एक बार आपका वीज़ा इशू हो गया, एग्ज़िट री एंट्री का वीज़ा, तो कंपनी उसको भी कैंसिल नहीं कर सकती। अगर एक बार हो गया तो आप आराम से जा सकते हो। इसके बाद का जो पॉइंटर्स है दोस्तों वो ये है कि अगर कोई बंदा मान लो छुट्टी जाता है खुद से वीज़ा इशू करके, और छुट्टी जाने के बाद ऐसा कोई कंडीशन होता है कि वो वहाँ से नहीं आ पा रहा, या फिर वो नहीं आ पाता है जानबूझ के वो नहीं आए, तो फिर आपका जो है सऊदी आना लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाएगा, आप कभी भी सऊदी नहीं आ सकते हो। तो ये चीज़ को याद रखिएगा, अगर आप में से कोई भी छुट्टी जा रहे हो तो आपको रिटर्न आना है। इनकेस अगर आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, अगर आपका कंपनी चाहे तो वो एक्सटेंड कर सकती है, अगर आपका कंपनी चाहे तो। अगर वहाँ पे आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो आप अपना कंपनी से बोल करके आपका जो वीज़ा है वो एक्सटेंड करा लो, फिर आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एकदम ही नहीं आते हो तो लाइफ टाइम आप कभी भी सऊदी अरबिया नहीं आ पाओगे वर्क परमिट पे। इसके बाद इसका जो लास्ट अपडेट ये है कि पहले जो रूल्स हुआ करते थे कि हम कंपनी में पेपर डालते थे, एडमिन को पेपर देते थे कि हमें छुट्टी जाना है, वो सारा प्रोसेस भी है। अगर आपको खुद से नहीं करना है, अफसर से आप खुद से नहीं करना चाहते हो, तो आप कंपनी में इसका जो ऑफलाइन काम है जैसा होता है, एडमिन करता है, अकाउंटेंट करता है, ऑफिस का जो भी एडमिन लोग करते हैं, आप वहाँ पे भी अपना छुट्टी अप्लाई करके इसका बेनिफिट ले सकते हो। तो ये था इम्पोर्टेंट अपडेट वीज़ा एग्ज़िट री एंट्री से रिलेटेड। अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी अपडेट मुझे मिलता है तो मैं आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूँगा। कुछ दिन के बाद ये कॉमन हो जाएगा कि बहुत से लोग अपना छुट्टी खुद से अप्लाई कर रहे, अपना वीज़ा खुद से अप्लाई कर रहे अफसर से। मैं उसका स्क्रीन शॉट के साथ आप लोगों तक शेयर करूँगा उसका इन्फॉर्मेशन। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करेंगे आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।